दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में आज एक बाजार में आग लगने से 5 दुकानें जलकर खाक हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी के मुताबिक सुबह 5 बजे बाजार में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की 10 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। हालांकि आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारी ने बताया है कि वसंत विहार इलाके के सी ब्लॉक में स्थित बाजार की एक इमारत के भूतल में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ये इमारत की पहली मंजिल तक फैल गई। मौके पे थाना पुलिस की टीम भी पहुंची है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।